हाथ तो चला ले फिर फोन करने की जरूरत नहीं, हम एक्चुअली गाड़ी में जा रहे हैं आज ना, हमें शायद निकलना पड़ेगा। क्यों? तो क्यों, मैं... क्यों? मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे रुकने तो दे जितने दिन रुकना है। बड़ी देखो इतना सभी नहीं होता ना, ये दूसरे का भी काम है। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं एक प्रैंक करने जा रहा हूँ रूपाली के ऊपर। अभी ससुराल में तुम्हें पता है, और अभी हमने तीन चार दिन यहाँ रुकना है तीन चार दिन और रहेंगे, और रूपाली ना काफ़ी सैड हो रही है ऐसे कि तीन चार दिन रह गए मतलब जल्दी जा रहे हैं दिन, वो ऐसा ऐसा सोच रही है। तो ना मेरे दिमाग में आया एक कि मैं उसको बोलूँगा कि हम आज ही जा रहे हैं, और उसको ना मैं मतलब बिल्कुल भी शक ना हो इसलिए मैं पहले जाऊँगा मम्मी पापा अंकल आंटी के पास जाऊँगा, उनके पास जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि मुझे जाना पड़ रहा है, और ये चीज़ उनको बताने के बाद ऊपर आ जाऊँगा क्योंकि अभी 9-10 बज रहे हैं तो निकलने का भी प्रॉपर टाइम है हमारा, निकल सकते हैं हम। और वो पूछेंगे तो मैं बोलूँगा मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मुझे इंटरनेट में इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑफिस का काम रह रहा है, गूगल मीट्स में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि, और एक्चुअल में हो रहा है क्योंकि मेरा एयरटेल का सिम है तो उसमें थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही है, जियो वालों को नहीं हो रही बट मुझे हो रही है। तो मैं ये चीज़ कहकर ऊपर आ जाऊँगा, अपना सामान वगैरह पैक करूँगा जैसी रूपाली आ जाएगी। अभी वो नीचे गई, जैसे बजरंगबली वाले मंदिर में गई है, जैसी वो आ जाएगी और उसको बताएंगे, अंकल आंटी पक्का बताएंगे, और जैसे ही ऊपर आएगी वो सब रिकॉर्ड करेंगे तब बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो अभी पहले अंकल आंटी के पास चलते नीचे, उनको बोलते हैं। किचन से आवाज़ें आ रही हैं शायद, किचन में आप मम्मी पापा कहाँ पर हैं? बोलो, जोनू को लेके गए। अच्छा आज ना हमें शायद निकलना पड़ेगा। क्यों? तो क्यों, मैं क्यों? बस वो मेरे को ऑफिस से थोड़ा काम आ गया इम्पोर्टेंट। आप तो 2-3 दिन के बाद जा रहे थे पर अभी थोड़ा मैंने कैमरा बंद कर दिया था, थोड़ा सा ना मुझे लगा कि मतलब अजीब हो रहा था कि ऐसे शूट करके कोई कैसे करेगा कि पैर छू के जब जाता इंसान तब तक तो ठीक लगते, पर आर्ग्यूमेंट वगैरह में ना मैंने बंद कर दिया कैमरा। अभी अंकल भी बाहर है, रूपाली भी बाहर है, जैसे वो आ जाएंगे फिर वो जैसे डिस्कस करेंगे, मम्मी उनके साथ बात करेंगे, रूपाली ऊपर आएगी 110%। तब तक हमें बस अपना कैमरा वगैरह सेट कर लेना है और मैं कपड़े पैक करने की एक्टिंग करनी शुरू कर दूँगा। बस अब मैं कैमरा सेट कर दूँ, जैसे वो आएगी शुरू कर दूँगा। मैंने कैमरा वगैरह सेट कर दिया है, अब मैं बैग वगैरह रख लेता हूँ ताकि जैसे वो आए तो उसको पता लगे कि हाँ मैं वही कर रहा हूँ क्या, पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ। अरे जाना पड़ेगा। क्यों यार? ऑफिस वालों का थोड़ा सा काम आ गया और वो सारे के सारे चंडीगढ़ पहुंचे हुए, एक मीट मतलब सबको गेट टुगेदर टाइप में वो अटेंड करनी है। ते तो ऑनलाइन भी तो हो सकते हैं। अरे चंडीगढ़ में सारे के सारे आए हैं तो सबको मतलब जाना पड़ेगा गेट टुगेदर के लिए, सारे घर से रिमोट एरिया में काम करते हैं। तो ये अचानक से कैसे हो गया? तू मजाक कर रहे ना? अबे फिर से कुछ प्रैंक रूम कर, कसम से जाना पड़ेगा। ये ना देख फोन तो यहीं पे पड़ा है, जल्दी अपने कपड़े पैक कर ले। तू कहाँ गई हुई थी? मंदिर गई हुई थी? अबे बता क्या हुआ यार, क्या तू क्या है अचानक से? अरे रूपाली यहाँ पर मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, यहाँ पर वैसी दिक्कत आ रही है, तेरे को पता है कि मैं मीट भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तू मेरे फोन से कर ले, जियो तो चल रही है। यार जब तू ऊपर नीचे दाएं बाएं जाती है तब हॉटस्पॉट किससे कनेक्ट करूंगा? तो रख ले तेरी फोन। अरे मेरी बात सुन, अब तो वो चीज तो मैं फिर भी एडजस्ट कर रहा था बट अभी तो सबको जाना पड़ेगा, ऑफिस वालों को भी जाना पड़ रहा है, सब आ रहे हैं वहाँ पर जितने भी आस पास वाले हैं क्योंकि अब सब पुणे से आ रहे हैं तो वो चीज तो कर। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मुझे रुकने दो दे जितने दिन रुकना है। बड़ी देखो इतना सभी नहीं होता ना, ये दूसरे का भी काम है। मैं क्या, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ? मैं तो रुका ही हुआ हूँ भाई, तब से मैं रुका ही हुआ था। अब इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आ रही थी मैं वो भी मैनेज कर रहा था कि कोई बात नहीं, मेरा एयरटेल नहीं चलता भाई यहाँ पर, मेरी कितनी मीट्स ऐसी में गूगल मीट्स जिनको मैं बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ बात करते करते। यू तो मेरे से भी तो कनेक्ट करके रखता पर रूपाली हर टाइम तो यहाँ पर नहीं होती। अभी कहाँ थी? चल सिंपल बता, अभी कहाँ थी? कहाँ थी अभी? अभी मेरे फोन से कनेक्टेड था ना मेरा, आती है भाई दिक्कत है। और उससे भी बड़ी चीज, वो चीज मैं मैनेज कर रहा था कि कोई बात नहीं 2-4-5 दिन की बात है बट अभी तो जाना पड़ेगा ना, दूसरा काम आ गया ऑफिस का, वो चीज तो इम्पोर्टेंट है ना। जल्दी कपड़े पैक कर अपने बीरबाली, अभी टाइम पे निकलेंगे तो यहाँ धुंध नहीं पड़ रही रास्ते में। यार ऐसे अचानक थोड़ी होता है, मिठाई नहीं ली कुछ नहीं लिया, ऐसे अचानक थोड़ी चले जाएंगे। तो भाई अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:30-10 बज रहे हैं, आराम से जो भी काम कर रहे हैं 10-11 साढ़े 11 तक कर लेते हैं।
अभी हम यहाँ से 11:30 भी निकलेंगे तो भी ठीक है, बस वहाँ धुंध से पहले पहुंच जाए क्योंकि वहाँ धुंध पड़ रही है। मुझे रुकना था अभी 4 दिन। रूपाली अभी कर ले, मैं तेरे को मना थोड़ी करता रुकने के लिए। अभी तक मैं तेरे को एक बार भी कहा कि हमें घर चलना है, एक बार भी कहा। मैंने तेरे को इनफैक्ट ये तक नहीं कहा, एक बार कहा था कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है यहाँ पर ढंग से, उसके बाद मैंने एक बार भी तेरे को कंप्लेन करी हो। इन चीजों को तो समझा कर, ये तो ऑफिस रिलेटेड काम है रूपाली। अपने कपड़े जल्दी पैक कर। वो भी नीचे गई है, अपने मम्मी के पास गई है, जैसे मिठाई वगैरह की रिगार्डिंग बात करने गई होगी। पर ठीक है, जैसी वो आएगी उसके बाद मैं शुरू करूँगा रिकॉर्डिंग वगैरह। अभी 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 ऐसे ही रहने देते हैं, अभी उसको आने देते हैं पहले। जल्दी कर ले पाली। पहन के क्या जाएगी? मैं तो ऐसे जाऊंगा ये इसमें, जैकेट में और लोअर में। पहनूंगी क्या? कुछ भी पहनूंगी। जल्दी कर वाली, और देख लियो सारा सामान हमारा मतलब निकल चुका हो, मैंने तो अपना सारा पैक कर दिया, तू देख ले अपना। कोई नहीं, मेरा रह भी गया वो घर में। ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? ये बुरा नहीं लगता क्या? अब मुंह भी नहीं बन सकता, बुरा लगेगा तो मुंह नहीं बनेगा। हाँ तो तेज चला ले फिर। हाँ फूड करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी गाड़ी में जा रहे हैं और कहीं नहीं, वहाँ पर बैग निकाल क्यों डाला? सीधे गाड़ी पे डालते हैं। हाँ बाकी सामान देख ले, तेरा कोई रह तो नहीं गया? नहीं रहेगा। फिर कोई चीजें समझ तो आती नहीं, शहरों की इमरजेंसी है तो वो तो समझ नहीं आ रहा। तो इससे ज्यादा क्या करूं, पैक तो कर दिया। ठीक है बाकी सामान देख ले, मेरा भी कुछ रहना गया। चार्जर वगैरह कौन डालेगा? मतलब रह गए हैं, इनको भी तो ले ले। तो अब भी थोड़ी निकल रहे हैं। अरे रूपाली निकलना है, जितनी जल्दी तू अपने काम करने हैं कर ले, अंकल आंटी को जो भी बोलना है बोल ले, मतलब जो भी सामान वगैरह तुमने करना है, क्योंकि अभी निकलना है। जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे शाम को वहाँ धुंध पड़ जाती है, यहाँ नहीं पड़ती धुंध, चंडीगढ़ में धुंध पड़ जाती है 4:00, 3:00, 4:00, 5:00 के बाद ही धुंध पड़ जाती है बहुत ज्यादा। हम उतने विजिबिलिटी जीरो है भाई वहाँ। जल्दी कर ले। गई नीचे गई फिर से, आज बताऊंगा ना तो आज डांट पड़ेगी पक्का। मैं सोच रहा हूँ नीचे जाकर ना खड़ा हो जाता हूँ और वहीं पर देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ना, अगर ज़्यादा बात मतलब होने लगी इधर उधर सामान रखने की या कुछ भी करने की तो बीच में रोक दूंगा। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हुआ तो आगे तक ले जाऊंगा रूपाली के लिए, अगर ज़्यादा लगा ऐसा वैसा हो रहा है तो मैं बीच में रोक दूंगा, सबको निकाल ही लेता हूँ। अभी मुझे रूपाली का कॉल आया था, मैं ऊपर ही था और नीचे ना बुला रहे हैं मुझे, जैसे टीका वगैरह लगाना होगा जाने से पहले जो लगाते हैं, मतलब पूरी तैयारी वगैरह हो गई नीचे। अब ज़्यादा हो गया, मैं तो नीचे जा रहा हूँ ये बोलने कि जो मेरे दोस्त वगैरह की मीटिंग थी वो मतलब कल मिल रहे थे सारे के सारे ऑफिस वाले, अब वो कल नहीं मिल रहे, वो 3-4 दिन बाद मिलने का बना रहे हैं, संडे को मिलने का प्लान बना रहे हैं और अब हम 1-2 दिन बाद जा सकते हैं। नीचे ही बोलूँगा प्रैंक था तो, मतलब अभी मैं यही बोल देता हूँ, बाद में रूपाली को अलग से बता दूंगा, बट अभी नीचे आके मैं बोल देता हूँ कि अभी 1-2 दिन रुक सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ही हो गया ना सीन। पता रखा सारों ने तैयारी वगैरह कर ली तो डर लग रहा है यार। अब तो खुश है? पक्का खुश है? पक्का खुश है ना? इतनी बार पूछेगा तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं प्रैंक कर रहा था? छी यार ये प्रैंक था, तूने झूठ बोला था। क्या झूठ? कि ऑफिस की मीटिंग वगैरह है। वो तो मैं प्रैंक कर रहा था और मेरे को अभी नीचे इसलिए बोलना पड़ा कि मतलब कि दोस्त वगैरह ने पोस्टपोन कर दिया। शर्म नहीं है देखो, मतलब तू मम्मी पापा पे भी प्रैंक करेगा?
अरे मैंने नीचे इसलिए बोला कि क्या बोलते सारे के सारे दोस्त वगैरह ने जो प्लान है वो एक्सटेंड कर दिया, नीचे सब तैयार हो गए थे तो वो टीका। यार तो मैं वो परेशान हो गए थे कि अचानक क्या कर रहे अभी जाने का बोल। अरे मैंने खुद में डर के मारे नहीं बोल पाया, मैंने कहा अभी बोलूंगा तो अजीब लगेगा क्योंकि सब तैयार हो गए। तेरा तो चलते है बस नीचे, मैंने बोला उसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए मैं नीचे सबको बोलकर आ गया। वो पोस्टपोन हो गया, अब 2-3 दिन रह कर जाएंगे, कोई बात नहीं बाद में कर सकते हैं हम ये सब। अब बता रहा हूँ देखो कि ये तो मैं प्रैंक ही, तो मैं ऐसे ही कर रहा था प्रैंक। खुश है ना? खुश है? वो जा नहीं रही तो खुश नहीं है क्या? तो तरजे तू कह रही 2-3 दिन रुकने का मन कर रहा था, क्या कह रही? तू दुष्ट है, मैं मानता हूँ कि ये दुष्ट है, पर तू कह रही 2-3 दिन रुकना है, खुशी हो जाएगी तो 2-3 दिन रुक तो रहे। बुच्ची ऐसी रोने वाली बनाई हुई थी जैसे अभी आंसू आ जाएंगे पर चलो ठीक है यार। तो मैंने तो कोशिश करी थी कि नॉर्मल प्रैंक करूंगा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो गया, ढंग से मैंने शूट भी नहीं करा, मैं खुद ही थोड़ा सा ऐसे हो गया कि क्या करूं, पर चलो कुछ नहीं, इतना चलता रहता है। आई होप तुम सबको मजा आएगा, मजा आया तो कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, हॉरर स्टोरी टाइम में मेरा दूसरा चैनल है यार हॉरर स्टोरी टाइम का 3 Tales, तो मैंने गलती से उसकी वाली आउटरो दे दी तुम्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तुम्हारी बाय तो कर दे, खुश है ना तू? बाय 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 बाय।